हेलो फ्रेंड्स, ये है वीवो का X21 जो वीवो ने पहली बार अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट लगाया है। इसमें इस फ़ोन में मेन फीचर यही है कि इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट मिलेगा वो डिस्प्ले का अंदर मिलेगा। और इस फ़ोन को स्पॉन्सरशिप किया है फीफा वर्ल्ड कप रसिया 2018, तो ये स्पॉन्सरशिप है। और जो वीवो का फ़ोन है पहली बार वर्ल्ड में जो अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट आया है वो वीवो की तरफ से इसी फ़ोन में आया है। और यहाँ पर आपको कुछ मिल जाते हैं स्टफ्स, जैसे कि चार्जर। ये चाइना टाइप चार्जर है और यूएस टाइप आप कर सकते हैं ये चार्जर। तो ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, बट 2-3 महीने के पास आसपास ये मार्केट में आ जाएगा। एयरफोन नए डिज़ाइन में आया है, वीवो ने नया डिज़ाइन और लॉन्च कर दिया है अपने एयरफोन का, और ये वीवो X21 के साथ आता है। तो ये फ़ोन आपको सबसे बेहतरीन लगेगा क्योंकि इसमें इनबिल्ट फिंगरप्रिंट है, जो बाकी सब फ़ोन में बैक पर रहता है फिंगरप्रिंट और रियर में कहीं पर भी लगा देते हैं, बट इसका इनबिल्ट डिस्प्ले के अंदर में फिंगरप्रिंट है। और ईयरफोन ये बहुत ही अच्छी ईयरफोन है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगा, फ्री में मिल रहा है वीवो की तरफ से। एमआई के फ़ोन में आपको ईयरफोन नहीं मिलता, बट इसमें मिलता है, वीवो है। और ये रहा वीवो का स्मार्टफोन, चलिए इसको रैप वो देखते हैं अभी हटाकर। तो ये रहा इसका कुछ कवर, बट इसके अंदर में आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल और बाकी सब कुछ, अपना इसका ईएमआई नंबर और इसका जो ये बैक कवर इतना मस्त है, जो टफ प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसमें और ट्रांसपेरेंट है, तो एक तरह से अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा पैसा एक्सपेंस नहीं करना है अगर एक नया कवर लेने में, तो ये अच्छा है। इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा और कुछ नहीं बाकी सब, और यूएसबी टाइप 2.0 मिलेगा, टाइप सी नहीं मिल रहा है। तो ये एक गलत बात है वीवो की तरफ से कि एक लेटेस्ट 2018 में यूएसबी टाइप सी देना चाहिए था, जो ये दे रहे हैं यूएसबी 2.0। तो एक तरह से इसमें कुछ कह सकते हैं कि खामियां हैं, 2.0 है, तो बाकी सब फ़ोन बहुत बढ़िया है। ये फ़ोन तो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसका फीचर जो है वो किसी और फ़ोन में नहीं है, एप्पल के में फ़ोन में भी नहीं है। जो फीचर इसमें है वो है इनबिल्ट स्क्रीन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस फ़ोन का बैक देख सकते हैं कितना अच्छा, और ये रहा बॉटम, देखिए इसमें 2.0 का यूएसबी है, तो ये एक अच्छा बात नहीं है। बट स्पीकर इसका मस्त है और सिम इजेक्टर जो होता है, सिम इजेक्टिंग वहाँ वो बॉटम से पर है। तो इसको ऑन करके हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। फन टच ओएस इसमें मिलता है आपको हर वीवो की तरह, और इसमें हम जल्दी जल्दी इसको सेटअप कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको 6.28 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो काफ़ी बड़ी है, बाकी सब फ़ोन इतनी साइज़ में आ रहे हैं। और ये बेजल लेस है और आईफोन की नॉच की तरह आता है इस फ़ोन में। अगर आप नॉच हेटरेट हैं तो आप इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार अच्छा डिज़ाइन नहीं है, बट नॉच है जो आईफोन में लॉन्च हुआ था उसी तरह। और इसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल 1080p फ्रंट कैमरा, जो कैमरे के मामले में है ये वीवो आप जानते होंगे कितनी अच्छी है। तो हर वीवो के फ़ोन में कैमरा आपको बहुत अच्छा मिलता है, सेल्फी करते रहते हैं वो, इसीलिए इनका कैमरा बहुत अच्छा रहता है दूसरे फ़ोन के कंपेयर में। तो इसमें आपको रियर में जो 2 कैमरा का सेटअप मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट इनबिल्ट लगता है तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी, बट इसका जो रिस्पॉन्सिव टच होता है जो इसका फिंगरप्रिंट का, वो बहुत टाइम लेता है। हम लोग दूसरे फ़ोन में देखेंगे तो कुछ सेकंड लगता है, मिली सेकेंड, बस इसमें आपको पर सेकंड लग सकता है 1 सेकेंड के आसपास खोलने में, क्योंकि ये एक लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो इसीलिए इसमें थोड़ा लेट होता है। बट इनबिल्ट है स्क्रीन के अंदर, तो आपको कन्वीनियंस पड़ेगा, ईजी पड़ेगा इस फ़ोन को यूज़ करने में। तो काफ़ी अच्छी है, लेटेस्ट फीचर लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ आता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो बाकी सब फ़ोन में नहीं मिलेगा। और इसका जो सेंसर है वो डिस्प्ले के अंदर है तो आपको दिखेगा नहीं, बट इसमें आप अपना फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो इस फ़ोन में आपको अलग अलग फीचर मिलेंगे फन टच ओएस के साथ, आप बाकी सब वीवो की तरह ही, बट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको 8.1, तो ये एक अच्छी बात है। और ये इसका जो बैक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल और फ्लैश लाइट आता है, तो पिक्चर अच्छी खींचता है। आप इसमें देख सकते हैं जो कलर है एक एक्यूरेट है, नेचुरल है, कोई इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, एक रियल चीज़ आया है। इसमें आपको 64 एंड 128 GB का मॉडल मिलेगा,
और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, माइक्रो यूएसबी 2.0, कलर आपको तीन वेरिएंट में है, ब्लैक, वाइट, रूबी रेड। तो आप एक ब्लैक चूज़ कर सकते हैं या रेड, मेरा प्रेफरेंस रेड रहता है और या ब्लैक। तो इसमें एक अच्छा अच्छा फीचर ऐड हुआ है और सबसे मेन बात प्रोसेसर किसका है। तो प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 मिलेगा, जो सबसे बेस्ट कहते हैं। जो 860 ही आता है, एक 8 वाला वर्जन नहीं आएगा, बट 660 इसमें आएगा। 820, 825 वो जो वन प्लस के फ़ोन में आता है वो इसमें नहीं दिया है। थोड़ा चिंदीगिरी किया है वीवो ने इस फ़ोन में कि वो आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का चिपसेट नहीं दे रहा है। बाकी सब बहुत अच्छा है इसका, टच वो सब जानते हैं कितना इसका, अपना अगर वीवो का फ़ोन यूज़ किए हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें कैसा कैसा फीचर ऐड होता है, जो एप्पल से रिलेटेड इसमें फ़ीचर रहता है। आप वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हैं, बट इसमें आपको साउंड नहीं आपको सुना सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले जो है 1080x2280 रेजोल्यूशन में आता है, 6.28 इंच का। इसमें रैम की बात करते हैं तो रैम 6GB को मिलेगा आपको, और सबसे मेन बात इसमें बैटरी कितनी है। तो बैटरी भैया आपको मिलेगा 3200 mAh की, जो काफ़ी लो है आसूस के नए फ़ोन के हिसाब से, जिसमें 5000 mAh मिलता है और बाकी सब एचआईवी के फ़ोन में आपको 4000 से अबव मिलता है बैटरी एमएच में। और इसका थिकनेस की बात करते हैं तो 7.4 mm, ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है, बट एक ईजी वे एक अच्छा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो देखते रहिएगा।